आपके लिए लॉकडाउन में सबसे अच्छी आपकी स्टोरी कौन सी रही? हमारी थी शॉपिंग। और हम और अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, हमारी तो जो बॉन्डिंग्स है वो और अच्छी हो गए। और हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुरभि। और मैं हूं सुरभि का पति दीपक। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बताने वाले हैं। और वो इंटरेस्टिंग क्या है दीपक? वो हम आपको बताएंगे जो सारी दुनिया में चल रहा है, बेसिकली लॉकडाउन में हमने कैसे टाइम स्पेंड किया और क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव्स क्या रहे लॉकडाउन। तो ये वीडियो जो है वो लॉकडाउन स्टोरीज के ऊपर है। वो लोग जो जर्मनी में हम लोगों की, हम भारतीयों की जो लाइफ है वो कैसी रही लॉकडाउन में, वो हम आपको बताएंगे। और आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करे हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करो आपका लॉकडाउन कैसा गया, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हुई, वो आप नीचे कमेंट करो। पर इस वीडियो का मोटिव है कुछ चीज़ें लाइक, सबसे पहले तो हम लोगों ने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा क्या किया, क्या और मैंने की शॉपिंग। किस चीज़ की? कपड़ों की, जूतों की। कपड़े, जूते, मतलब कपड़े ज़्यादा और जूते कम। क्या किया दीपक? सबसे ज्यादा की हमने शॉपिंग। मतलब सारी चीजें बंद थी और फिर भी भाई साहब शॉपिंग नहीं रुकी, क्योंकि इतनी अच्छी डील्स थी ना यार, ऑनलाइन सेल्स तगड़ी, क्योंकि उनका स्टॉक तो बिच नहीं रहा था, कितनी तगड़ी डील्स मिली है। और सेकंड चीज क्या की? और हमने होम ऑफिस को एंजॉय किया। ज़्यादा होम ऑफिस एनवायरनमेंट को एंजॉय किया। एंड थर्ड चीज़ दीपक, जर्मन लैंग्वेज सीखी। हाँ, हमने मतलब कुछ चीज़ जो है अपनी स्किल्स को ऐड करने के लिए भी कुछ चीज़ करी। सिर्फ हमने ऐसे ही टाइम जो है व्यतीत नहीं किया, उसके अलावा भी हमने कुछ किया। जैसे हमने एक दूसरे के साथ टूटी फूटी जर्मन में बात करी और थोड़ी थोड़ी अपनी जो जर्मन स्किल्स है वो इम्प्रूव करी, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। और दीपक, और बहुत सारी मूवीज़ देखी। मूवीज़ की तो सारी खत्म कर दी, कोई बची नहीं है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, आप लोग जिसे जानते हो, यही कह रही थी, मतलब उससे किसी ने पूछा, अरे तुम लोग नेटफ्लिक्स देखते हो? उसने ये बोला, नेटफ्लिक्स देखते नहीं है, हमने खत्म कर दिया है नेटफ्लिक्स। बचा ही नहीं नेटफ्लिक्स पर। और हमारे साथ भी ऐसा ही है। उसके अलावा दीपक हमने क्या किया? बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जो मतलब काफी टाइम के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली अपॉर्चुनिटी बोल लो या सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को घर में रहना था, तो अच्छा था, पॉजिटिव देखा हमने उसमें भी, कि आराम से साथ में टाइम स्पेंड किया, कुछ नहीं खाओ पियो। मतलब ये मान लो स्कूल में भी ऐसा नहीं होता था यार। स्कूल में जब छुट्टी होती थी तब होता था, कुछ नहीं करना है, बस खाओ पियो, सो उठो, फिर सो जाओ, मूवी देखो बस। कि छुट्टियां जैसे ही स्टार्ट हुई, नानी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, वहां पर भी ये था, बस खेलो खाओ पियो सो, वही चल रहा था। और ये सब चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अपनी लॉकडाउन स्टोरीज हम बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे, बट इसलिए बता रहे क्योंकि फाइनली यहाँ पर लॉकडाउन 10 दिन बाद ओपन होने वाला है। हाँ यार, होपफुली, उम्मीद है, अभी तक बस यही खबर है कि ओपन होने वाला है, तो शायद हो जाएगा। हाँ, और दीपक एक फनी चीज बताओ जो तुमने सोचा था कि मैं करने वाला हूँ, वो क्या है और जो नहीं कर पाया? हाँ अच्छा, हाँ राइट अच्छा यार, बुलाया भाई साहब, सलून बंद है 3-4 महीने से, नाई की दुकान, हेयर कट कराना था, सब बंद है। तो मैंने सोचा था एक काम करता हूँ, मैं फ्रांस जाता हूँ, हम जर्मनी में हैं, मैंने सोचा था फ्रांस जाता हूँ, हेयर कट करा के आता हूँ, यहाँ से दो ढाई घंटे की डिस्टेंस पे फ्रांस का एक टाउन है, वहाँ पे ओपन है, तो प्लान कर लिया था, जाने वाले थे सिर्फ हेयर कट कराने, लेकिन फिर हमने पता चला कि वहाँ से आएंगे तो टेस्ट कराना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो इतनी हेडेक कौन पाले, वरना जा सकते थे, कुछ लोग गए भी थे। तो हम क्रेजी चीज़ ये करने वाले थे इस लॉकडाउन में कि सिर्फ दीपक अपने हेयर कट कराने, इवन मैं भी, क्योंकि मेरी भी हेयर की हालत बहुत बुरी हो गई है, हम लोग कराने जाने वाले थे फ्रांस, तो जर्मनी टू फ्रांस सिर्फ हेयर कट कराने वाले जाने वाले थे। तो ये
बहुत फनी लगता है पर रियलिटी में यहाँ हुआ है, लोगों ने कराया है। तो दीपक एक चीज मैं, बिकॉज हम ये वीडियो बना रहे हैं अपनी लॉकडाउन स्टोरीज को, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोग किस ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ऐसे कमेंट्स होते हैं, प्लस जो यूट्यूब वीडियोज हैं उसमें कमेंट्स होते हैं कि आप लोग कौन से ब्रांड से शॉपिंग करते हो, और बिकॉज हमने इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी डील्स ली हैं, तो हम इट्स गुड कि हम बता सके कि हम कौन से ब्रांड से करते हैं शॉपिंग, और कौन से ब्रांड्स पे अच्छी डील्स ऑलरेडी चल रही हैं या चल रही थी और जो भी है, तो वो हम बता सकते हैं। मेरी जो बेसिकली चॉइस है, मैं तो चार, पहले दो में था, अभी चार ब्रांड्स में सीमित रह गया हूँ जो जिनसे मैं स्पेशली शॉपिंग करता हूँ, वरना तो मैं यहाँ वहाँ से जहाँ भी जो मिले ले लेता हूँ। तो एक तो ज़ारा है, ज़ारा से करता हूँ, दूसरा H&M और बर्शका, और अभी मैं पुल एंड बियर के भी मुझे अच्छे लगने लगे कपड़े। तो ये चार ब्रांड्स हैं जिनको मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी तो मुझे जो आसपास जो मिलता है अगर पसंद आया तो देख लेता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इन ब्रांड्स में थी सेल 70%, 80%, और जो हमने एक वीडियो में बताया था यहाँ बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और वो एक्चुअली में हमारे साथ हुआ जब हमने 70-70 के जैकेट, 70 यूरो के जैकेट जो है वो 10 यूरो 15 यूरो में लिए। ये मान लो आप 10 गुना कम। हाँ। हो ऐसी डील भैया नहीं मिलने वाली। हाँ। दिखाएंगे आपको। हाँ। तो दीपक इन ब्रांड से शॉपिंग करता है, और जो मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं जिससे मैं शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, आपको पता ही है, मेरे पिक्चर्स देख के आपको समझ में आ ही जाता होगा, मैं थोड़ा ट्रेंडी तरफ जाती हूँ। तो मेरे जो शॉपिंग करने वाले ब्रांड्स हैं वो ज़ारा, H&M जिसे यहाँ पर बोलते हैं हाउंड एम, सो या तो ये, देन न्यू यॉर्कर जो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो नहीं मैंने कुछ खरीदा बट मैं वहाँ से खरीदती हूँ। इसके अलावा कुछ ब्रांड है जैसे पिमकी मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसके अलावा बर्शका पुल एंड वेयर वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड जिससे मैं कभी भी शॉपिंग कर सकती हूँ, अभी भी जो मैंने पहना है वो बर्शका का है, तो हाँ। और इसके अलावा स्ट्रैडिवेरस करके एक ब्रांड है जो कि स्पेनिश ब्रांड है और जो कि ज़ारा का कॉम्पिटिटर है, मतलब मुझे ज़ारा और उसके कपड़े एक ही जैसे लगते हैं। ये मेरे ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली दीपक थोड़ा बोर हो रहा है बिकॉज इसमें से ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लड़कों का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लड़कियों का मिलता है, पर ये मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। और अभी हम लोग घर जाने वाले हैं और आपको अपनी जो फेवरेट्स हैं इस टाइम पे लॉकडाउन में जो हमने बेस्ट बाय, जो बेस्ट डील रही। हाँ। और वो बताएंगे आपको, और आप लोग शॉक हो जाओगे वो देख के, क्योंकि हमने वो इतने अमेजिंग प्राइस पे लिए, जब आप फोटो देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत महंगा है, पर एक्चुअली में वो महंगा नहीं है क्योंकि हमने ऑफकोर्स स्मार्ट डिसीजन लिए हैं अपनी शॉपिंग में इस टाइम के लिए। अब हम थोड़ा वहाँ जाके आपको कुछ और चीज़ें बताने वाले हैं हमारे बारे में, और मैं एक चीज़ और आपको बोलने वाली हूँ वहाँ जाने से पहले, हमारी जो मूविंग सीरीज़ है वो ऑलरेडी चल रही है, उसके वीडियोस बहुत सारे पेंडिंग में हैं। आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है ये जानने की कि हम लोग कहाँ मूव हो रहे हैं, क्यों मूव हो रहे हैं, और रीज़न क्या है, जर्मनी में ही रहने वाले हैं या कहीं और रहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उस सीरीज़ में हम कवर करेंगे, पर आज हम लोग मूड में हैं लॉकडाउन स्टोरीज सुनाने के। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया यार, आज तो गजब हो गया, गजब। अभी लास्ट वीक ये मान लो -14 -16 था, और सडनली आज 14-15 प्लस में है, मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट 28-30 डिग्री का वेरिएशन हो, ठंड में प्राण निकल रहे थे और आज गर्मी लग रही पुलोवर पहनने में। okay, तो जैसा कि हमने आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर थे बहुत सारे डिस्काउंट, और हमने उन डिस्काउंट्स में बहुत ज़्यादा, लाइक दीपक और मैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, और हम एक कपड़ा ज़्यादा नहीं पहन पाते तो हम बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम ऐसे ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे ना हो। तो हम दोनों ने बता दिया अपने अपने चॉइस ऑफ ब्रांड्स, तो अगर लड़कों को जानना है तो दीपक ने बता दिया, और लड़कियों को जानना है जो मैंने ज़्यादा अच्छा बताया तो मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी तो सबकी अपनी चॉइस होती है। हाँ। जिसको जो फिट बने, जहाँ का ब्रांड का जो फिट बने पहने। हाँ। प्लस हमने अमेजोन से बहुत सारी शॉपिंग करी, घर वर के सामान और जो भी इम्पोर्टेंट सामान थे वो खरीदने के लिए। उसके अलावा हमने ग्रॉसरी शॉपिंग का एक वीडियो बनाया था जो ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, तो ग्रॉसरी भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी। तो इन शॉर्ट हमको जो भी ज़रूरी चाहिए था इस टाइम पे, इस लॉकडाउन टाइम पे, वो सब हमने ऑनलाइन खरीदा। क्यों दीपक? क्योंकि सब बंद था ऑफलाइन कह रहा हूँ, सारे स्टोर्स बंद थे। हाँ। ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन थे लेकिन
इंडियन स्टोर्स के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है जाना, ट्रैवल करना, आसपास है तो ठीक है, बाकी तो सारे कपड़े ब्रांड्स ये सब बंद थे, कुछ ओपन ही नहीं था। अगर आपके पास जैकेट नहीं है, सर्दी है, जैकेट लेनी है तो ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। बट ऑनलाइन में बेस्ट ये हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी डील्स थी, पर वो कुछ स्पेसिफिक डेज होती हैं, मुझे नहीं पता सुरभि को कैसे पता चलता है, सडनली बोलती है अरे आज इस पे 70% वो है डील है, और रात को 12 बजे फोन ऑन करके बैठ जाते हैं और नेक्स्ट डे वो डील गायब। और एक्चुअली बहुत डिफरेंस पड़ता है उसका। ये फायदा होता है जब फैशन इंडस्ट्री के लोगों के साथ। हाँ वही, मतलब मुझे सडनली बताया जाता था कि अरे आज डील है, बैठ जाओ रात को। हाँ। तो वो बहुत एक अच्छी, मतलब पैसे बचे बेसिकली। हाँ। तो ये था हमारा। और एक चीज और, अब इंडिया में सुरभि पता ही है शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, धड़ाधड़ शादियां होने लगी हैं फरवरी में, और इस टाइम पे बेसिकली हमारे भी एक बहुत अच्छे फ्रेंड की शादी थी तो हम ऑब्वियसली नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उनको अच्छे से गिफ्ट, अच्छा प्यारा सा गिफ्ट भेजें, और हम कंफ्यूज थे भेजें तो क्या भेजें। फिर हमने डिसाइड किया कि सुरभि क्या करते हैं कि उनको पैसे भेजते हैं और लेट हिम डिसाइड कि उसको क्या, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन है कि उसको ऑब्वियसली खर्चे भी हुए होंगे तो लेट हिम डिसाइड क्या करना है उसको। तो उसके लिए हमने रिवायर यूज़ किया। रिवायर जैसा कि आप लोगों को पता ही है बहुत ही बेस्ट रेट्स देता है, प्लस ट्रांसफ़र लिंक्स जो हैं वो हमारे पास कुछ फ्री ट्रांसफ़र लिंक्स हैं, तो हमें पैसा बिल्कुल भी, जो ट्रांसफ़र के लिए जो पैसा लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगा हमारा। right. और हमने बहुत ही ईजिली पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, और सीज़न जो है वो मैरिज सीज़न है, तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ करना है तो लिंक मैं आपको दे रही हूँ जो कि एकदम फ्री है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, तो जस्ट यूज़ दैट लिंक। एंड हमने जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो भी सब अपने रिवायर के कार्ड से ही किया है, लाइक उसी से किया हुआ है, तो चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो ज़ारा हो, चाहे वो बश का हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो, तो हम लोग वहाँ से किया है। तो इट्स लाइक कि रिवायर ने हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करी हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल बैंक्स हैं ना वो लोग वीज़ा कार्ड जनरली नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको अगर शॉपिंग करनी है तो वीज़ा कार्ड वगैरह ये सब मास्टर कार्ड चाहिए होते हैं, तो विच वॉज रियली हेल्पफुल। हाँ, एंड देन हम लोगों को एक पता रहता है कि हमने शॉपिंग में जो है वो कितना पैसा जो है वो लगाया है, तो हम हमेशा यही करते हैं कि हम रिवायर से सारी शॉपिंग करते हैं, और रिवायर की जो डिटेल्स हैं वो सारी ऑनलाइन शॉप्स पे है, तो हमें पता होता है कि हमने मंथली इतना पैसा जो है वो हमने शॉपिंग, तो जो हमारे मेन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स हम नहीं डालते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, हम यही कार्ड यूज़ करते हैं विच इज़ सेफ ऑल्सो। और सेकेंडरी चीज़ है कि अभी रेट भी, ट्रांजेक्शन रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, विच इज़ गुड टाइम टू ट्रांसफर द मनी टू इंडिया टू होम। एंड रिवायर ऑलरेडी दीपक बेस्ट रेट्स देता है, तो ये मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि बेस्ट रेट देता है, क्योंकि मैं इनिशियली बहुत कन्फ्यूज होती थी कि कहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करूँ, एंड नाउ मतलब बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद आई नो दैट कि हाँ ये है। तो आपको चलो फिर बोर नहीं करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हमने चीज़ें खरीदी, बेस्ट डील क्या थी। हाँ, तो अब चलो घर जाएंगे और बताएंगे, और हमारा होम ऑफिस का सेटअप भी बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको होम ऑफिस वाली चीज़ भी बताई, और हमारा टाइम जो हमने स्पेंड किया वो तो ब्लॉग्स में है ही है, वो आपको दिख ही जाएगा। एंड देन मैं, मतलब हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना लॉकडाउन जो है, या आपकी जो लॉकडाउन स्टोरी है वो कैसी है, इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखना, प्लस अगर कुछ बोरिंग चीज़ें हैं वो भी लिखना, बट हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना और चाहते हैं। बताना मतलब पॉजिटिव्स क्या थे आपके लॉकडाउन टाइम में। हाँ। क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या क्या आप पॉजिटिव देखते हो, और क्या कईयों की लाइफ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा, तो वो भी बताना। हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम और अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, हमारी तो जो बॉन्डिंग्स है वो और अच्छी हो गए। और दीपक, हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली, यू वॉन्ट टू शेयर आवर स्टोरी? यार मैंने ये बोला है कि 50,000 के बाद करूंगी मैं, टाइम आने तो वीडियो शेयर करो ताकि सब लोगों को पहुंचे ये वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर और नोटिफिकेशन बेल, ये सब चीज़ें एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत सारी रीच मिलेगी, एंड हम लोगों का जो चैनल है वो बड़ा होगा और जोश भी आए होगा। देखो अब हमारी शॉपिंग। ये है हमारी शॉपिंग, सब हर माल 10 रुपया 10 रुपया 10 सस्ती वाली शॉपिंग लॉकडाउन की। तो दीपक, एक जो तुम्हारी बेस्ट डील है वो तुम बताना, एक मैं तुम्हारी चूज करूंगी, और सेम वाइस वर्सा। चलो, मेरी जो मुझे सबसे अपनी बेस्ट डील लगी वो है ये वाली जैकेट, जो एक विंटर जैकेट है,
ये रेड कलर की विंटर जैकेट मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, लॉन्ग जैकेट है, और ये हमने ली है बर्शका से, और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 70 यूरो, 70 यूरो की, और सर भी ये कितने की मिली? 10 गुना सस्ती, मतलब 10 times सस्ती, 17 यूरो, 17 यूरो की मिली मुझे, सोचो आप, मतलब, और ये बहुत विंटर है, मतलब जो -15 और 16 टेम्परेचर जो होता है, -15, 16 उसमें पहन सकते हैं, तो ये हमने अभी रिसेंटली खरीदी है ताकि ये नेक्स्ट विंटर फिर पहन पाए। हाँ, तो ये मुझे नेक्स्ट विंटर में काम आ जाएगी, स्मार्ट डील, क्योंकि विंटर खत्म होने वाली है और इसलिए अभी सस्ता था, और ऊपर से क्या थी, सेल भी थी, सेल बहुत ज़्यादा, गुप्त सेल थी, जो सुरभि ने पता लगाया कि रात को 12 बजे सेल स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बाय फॉर मी। इसी के साथ मैं आप लोगों को अपना रेड जैकेट दिखा रही हूँ, एंड इस जैकेट के बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। आई थिंक मैं ये और बात बता देती हूँ कि सेम ही अलग अलग कलर के हैं ये दो, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी मंगा, ये एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं दोनों, और बहुत अच्छी डील है, जैकेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट सी जगह से इसने खरीदा। तो इस ब्रांड का नाम है स्ट्राडिवायरस, जो कि स्पेनिश है, शायद मैं नाम जो है वो गलत प्रोनंसिएट कर रही हूँ, बट ये ब्रांड है, और यहाँ पर बहुत ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं, कलरफुल कपड़े मिलते हैं, तो आप ढूंढ रहे हो तो ढूंढ लो। इसका ओरिजिनल प्राइस था अराउंड 49 यूरो, और मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 19 यूरो। वाओ, एंड विंटर जैकेट्स हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि विंटर जैकेट है। अब तुम्हारा मैं बताऊंगी, शूज दीपक, शूज बताओ कौन से, हमने कपड़े तो बता दिए, बाकी मैं आपको ये स्क्रीन चला देती हूँ, आपको सब डील्स दिख जाएंगी। शूज मैंने, मेरे को ये वाले शूज मेरे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं था पर स्टिल थोड़ा, पर इस पे भी सेल थी और अच्छे शूज लगे मुझे। हाँ। तो ये एक मेरी बेस्ट डील है। और मैं अपना बताती हूँ आप लोगों को, ये है शूज जो कि स्नो विंटर शूज है, बहुत अच्छे शूज है, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदे, ये मैंने जब लॉकडाउन थोड़े दिन के लिए खुला था, डाइचमान से खरीदा था, जब थोड़ा खुला था तो डाइचमान से खरीदा था मैंने ये शूज, और ये इसका ओरिजिनल प्राइस था, दीपक कुछ याद है क्या? मुझे नहीं याद। हाँ, बट ये हमने बहुत कम में लिए थे, 25 यूरो की, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, लॉकडाउन के बाद सब ओपन हुआ था और सब कुछ जो था वो डिस्काउंट पे चला गया था, 50%, 60%, बट ये 50% आई गेस डिस्काउंट पे था, तो मुझे 25 का मिला, एंड एक्चुअल शायद 50 यूरो है, जो अगेन बेस्ट डील है बिकॉज विंटर शूज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके अलावा भी बहुत है। इसके बाद सारा माल सुरभि का। और मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है शीन से और भी सारे ब्रांड से जो मैंने आप लोगों को बताया, पर अभी मैं, हम लोग सिर्फ आपको बेस्ट डील बताना चाहते थे, और हमारा लॉकडाउन ये सब खरीदने में लगा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने शॉपिंग करी या शॉपिंग में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया? आई एम श्योर आप लोग भी ये ऐप ले के ढूंढते होगे और फिर सोचते होगे अरे नहीं लेना, फिर ढूंढते होगे फिर नहीं लेना, ऐसा मैंने भी किया, पर उसके बावजूद भी हमने बहुत सारी सामान खरीदा, और ये सिर्फ 10% है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो हम लोग निकाल नहीं पाए क्योंकि वो कहीं तो अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सबसे, कि अब हम लोग काफी मतलब बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी आपको घर वालों से डांट पड़ती है क्या शॉपिंग के नाम पर? मेरे तो पड़ती है भाई, मेरे पापा ये वीडियो जैसे ही देखेंगे बोलेंगे तुम लुटा रहे हो पैसे। मेरी मम्मी वीडियो देखती है बोलती तू हर वीडियो में नए कपड़े पहनती, तू मतलब पैसे जो है वो कपड़ों में लुटा रही है। ये ब्यूटी है हमारे इंडिया की, चाहे कितने बड़े हो जाओ डांट जरूर पड़ती है, तो काफी कुछ हमने अभी नहीं दिखाया है जो खरीदा। तो गाइस इसी के साथ आई होप आप लोगों के इसके ब्रांड के बारे में पता चला हो, और हमारी इंटरेस्टिंग जो हमने चीजें खरीदी हैं उसके बारे में पता चला हो। हाँ, तो जरूर कमेंट करना कि आपको दीपक की डील सबसे अच्छी लगी या मेरी, और हमने जो आपको बताया है कि रिवायर का अकाउंट ओपन कराओ और आप सारे जितने भी बहुत सारे ब्रांड से शॉपिंग करिए, बट आप उससे शॉपिंग कर सकते हो उस कार्ड से जो हमने किया, एंड ऑल्सो वेडिंग सीजन है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे बेस्ट रेट्स में,
और क्या कर सकते हैं दीपा? और हर जगह यूज कर सकते हो उस कार्ड को, शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। सो बस अब हम जाते हैं, हमने तो भाई दिखा दिया और हम दोनों को इसके बाद पढ़ने वाली है डांट, इसके पेरेंट्स से भी, मेरे पेरेंट्स से भी। तो मुझे बहुत 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 मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, मुझे एक्चुअली देखना है कि लोगों के लिए क्या पॉजिटिव रहा है लॉकडाउन में, कुछ भी आपने खरीदा, कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ, प्लीज कमेंट जरूर करना और हम बड़े इंटरेस्ट बड़े हम उत्सुकता से क्या हो गया मुझे हम बड़ा होता है कभी कभी होता है हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। तो गाइस टिल द नेक्स्ट टाइम, आप लोगों को, आप जो लॉकडाउन खुलने वाला है लाइक जो जर्मनी में रहते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज बहुत दिन बाद हम लोग अपने बिलों से बाहर आके शॉपिंग करेंगे बाहर जाके, पर खुल जाए पहले। हाँ पर खुल जाए पहले, तो मैं अपना जो है सोच रही हूँ हाँ ठीक है खुल जाए। एंड जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं और जो भी भारतीय ऑल ओवर वर्ल्ड में रह रहे हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी जरूर कमेंट करना कि आपके लिए लॉकडाउन में सबसे अच्छी आपकी स्टोरी कौन सी रही। हमारी थी शॉपिंग, दूसरी मैं जो कर नहीं पाया, मुझे फ्रांस जाना था हेयर कट कराने।